शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। 5 महीनों के लंबे अंतराल के बाद राज्य में विभिन्न शर्तों के साथ गुरुवार 20 अगस्त से आंतर जिला स्तर पर एसटी बसों को शुरू किया गया। दिग्रस डिपो से फिलहाल नांदेड़, अमरावती सहित अकोला जिले के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिसके चलते जहां यात्रियों ने खुशी जताई, वहीं एसटी कर्मचारियों ने इनबीसीएन से अपनी समस्याएं भी साझा की है। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीते मार्च महीने में राज्य सरकार द्वारा अमल में लाई गई विभिन्न उपाय योजनाओं के तहत एसटी बसों के परिवहन पर भी ब्रेक लगा दिया गया था। ऐसे में 20 अगस्त से राज्य के सरकार के आदेश पर राज्य परिवहन महामंडल ने लगभग 5 माह के अंतराल के बाद दोबारा आंतर जिला एसटी बस सेवा को शुरू कर दिया है। दिग्रस डेपो से अमरावती, अकोला और नांदेड़, इन 3 जिलों के लिए 5 बसें आज रवाना हुई। इस बाबत डेपो के व्यवस्थापक संदीप मड़ावी ने अमरावती, नांदेड़, अकोला के साथ ही अन्य जिलों के लिए भी बसों का परिवहन जल्द ही शुरू होगा, ऐसी उम्मीद जताते हुए यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बसों में सफर करने की अपील की है। दिनांक 20 अगस्त पासून महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या निर्देशनाप्रमाणे आंतर जिल्हा बस वाहतूक राखीव मंडळाने सुरू झाली आहे। त्यानुषंगाने दिग्रस आगारामध्ये सुद्धा आता आंतर जिल्हा वाहतूक सुरू होत आहे। दिनांक 20 अगस्त पासून आगारामध्ये जिल्हा टू जिल्हा वाहतूक करण्यात येत असून सध्या सुरुवातीला अकोला, नांदेड आणि अमरावती यासारख्या फेऱ्या सुरू झालेल्या आहेत। तरी प्रवासी प्रतिसाद पाहता टप्प्याटप्प्याने पूर्ण जिल्हा टू जिल्हा वाहतूक करण्यात येत आहे। तरी प्रवाशांना सूचित करण्यात येते की शासनाने दिलेल्या नियमाचे पालन करून प्रवाशांना प्रवास करताना मास्क घालणे अनिवार्य आहे। काफी दिनों के बाद एसटी बसों की आंतर जिला परिवहन सेवा शुरू होने से बस यात्रियों ने खुशी जाहिर की। लॉकडाउन ओपन झाला आणि आज जो निर्णय घेतला त्याच्यामुळे लोकांना खूप आनंद झाला आणि आता प्रवास करण्याची त्यांना मुभा दिली जाणार आहे आणि आजपासून ते कुठे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कुठे प्रवास करू शकतात याची मला म्हणजे याचा मला खूप आनंद होतो आणि मी सुद्धा प्रवास करण्यासाठी खूप इच्छुक होतो आणि मला सुद्धा आता गावाला जाण्याची संधी उपलब्ध झाली, त्याबद्दल मी महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना असेच प्रयत्न म्हणजे अशीच संधी नेहमीसाठी चालू ठेवा आणि पुढे कोणतेही भविष्यामध्ये अडचण येणार नाही याची दक्षता घ्यावी आणि ड्रायव्हर कंडक्टर यांना सुद्धा त्यांचे जे म्हणजे गरज आहे किंवा त्यांना जो पगार पाण्याची भत्ता पाण्याची त्यांची जी सुविधा आहे ती शासनानं पूर्णपणे त्यांना यशस्वी करून द्यावी। आजपासून ज्या बस चालू झाल्या ते रोज अपडाऊन करणाऱ्यासाठी खूपच चांगलं आहे, कारण का रोज प्रवास करण्यासाठी इतका त्रास जात होता, खूपच त्रास जात होता आणि मानोरा तालुक्यात जाणं म्हणजे रस्त्याचं काम चालू आहे, त्याच्यामुळं इतकं खडतळ म्हणजे ॲटोनं जाणं ॲटोनं येणं रोजच्या अपडाऊन करणाऱ्या लोकांसाठी हे तर खूप चांगलं झालं आहे। त्याच्यामुळं सर्वात आधी मी महामंडळ परिवहन महामंडळ यांचे मी आभार मानते आणि ई पास सेवा करण्याची आता गरज नाही आहे, तर हे गरीब लोकांसाठी हे खूप चांगलं झालं। जिल्ह्याबाहेर बस चालू इस दौरान डिग्रस एसटी बस डिपो के ड्राइवर, कंडक्टर आदि कर्मचारियों ने भी जिला बस सेवा शुरू किए जाने पर खुशी का इजहार तो किया, लेकिन किस्तों में मिल रहे वेतन, कोरोना काल के तहत कई कर्मचारियों को घर पर रहने की दी गई हिदायतों तथा बगैर काम के घर चलाने में पेश आ रही दिक्कतों और बार बार कर्मचारियों के लिए सख्ती के आदेश जारी किए जाने जैसी विभिन्न समस्याओं से इनबीसीएन को रूबरू कराया। तो 20 अगस्त से जो चालू हुआ तो बहुत अच्छा हुआ सब जनता के वास्ते, प्रवासी के वास्ते, और जो 5 महीने से हम सेवा दे रहे अभी तक, लेकिन हमारी पगार टाइम पर हो रही नहीं और जैसा बहुत परेशानी का चालू है अभी भी कोरोना, उसमें हमारे लोगों ने सेवा दी उसका मुबदला हमको सही तरीके से मिल रहा नहीं, टाइम पर नहीं मिल रहा, बे टाइम मिल रहा, कभी 25 तक के कभी 50 तक के ऐसी पगार हो गई। हमारा ये कहना है कि टाइम पर पगार करो, नहीं तो महाराष्ट्र शासन में विलीनीकरण करो हमारा, नहीं तो दूसरे डिपार्टमेंट में समाविष्ट करो। तर राज्य सरकारचे आणि अनिल परब साहेब परिवहन मंत्री यांचं मनापासून धन्यवाद करतो की त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण बससेवा चालू केले आणि हा कोरोनाचं संकट एवढं मोठं असूनसुद्धा एसटी कर्मचारी आमचे सर्व अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी तयारी आहे चालू केली, तरी महाराष्ट्र सरकारनं आमच्यावर खूप लक्ष द्यावं, विलीनीकरण घ्यावं। आता ही सेवा चालू झाली तर आम्हाला खूप आनंद झाला, आंतरजिल्ह्यामध्ये चालू झाले याच्याबद्दल आमचे घरसुद्धा आजपर्यंत
आम्हाला माहित की आम्ही असं घर कसे चालवले, रोजमजुरी करून आमचे घर चालवले. काही आमचे मित्र जे आहे एक गट ना रोजंदारी गटमध्ये, त्यांनासुद्धा बाहेर काढलेले आहेत, त्यांनासुद्धा या रोजंदारी गटमधून त्यांना एसटीत समावेश करून घ्यावं राज्य सरकाराला. आणि जे आमचे पगारपणी असते हे वेळोवेळी द्यावे. आम्हाला सेवा ही आमचा धर्म झाला आहे, आमचं कर्तव्य झालं आहे की आम्ही प्रवाशांची सेवा करतो आहे. याचा अर्थ असा नाही की आम्ही मतलबासाठी काम करतो आहे, आमची सेवा हेच आमचं धर्म आहे. त्यामुळे आमची एकच विनंती प्रशासनाला की तुम्ही आमची पण काळजी घ्या जशी प्रवाशांची घ्यायला लावता, हेच आम्हाला बोलणं आहे प्रशासनाला. त्यामुळे आज जशी 20 दिवसाची सक्तीची रजा बोलतो आहे मी, हे आम्हाला बंधनकारक केलेलं आहे. आता कोरोना काळात आम्ही घरी बसून होतो, हां, त्यामुळे आम्हाला पुन्हा 20 दिवसाच्या सक्तीच्या रजा दिल्या, ते आम्ही उपभोगत आहे. त्यामुळे आमचं एकच म्हणणं आहे प्रशासनाने, अशी जे कोणती सक्तीचे तुम्ही आदेश काढता हे कृपा करून काढू नका, कारण कर्मचाऱ्यांना खूप हाल होतात अशा वेळेमध्ये. माझं एकच म्हणणं आहे की त्यांनी हे जे काही प्रवाशांचा जसं विचार आम्ही करतो तसं तुम्ही पण आमचे विचार करा. बसों के शुरू होने से यात्रियों सहित बस स्टैंड के ऑटो रिक्शा चालकों ने भी समाधान व्यक्त किया है. उनके मुताबिक पहले भी जिला अंतर्गत बसों का परिवहन शुरू था, लेकिन उन्हें इक्का दुक्का सवारियां मिलती थी. अब अन्य जिलों के लिए बसें शुरू होने से यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा और ऑटो चालकों की आय में इजाफा होगा, ऐसे उम्मीद ऑटो चालकों ने जताई है. बहुत बात की खुशी है हमको कि भाई जो भी एसटी चालू हुई अभी अभी तक हम जो बैठ के यहाँ पर दिन भर बैठ के ही रहना पड़ता था, कोई रोज मजदूरी नहीं थी और बहुत परेशानी के दिन गुजारे हमने. मतलब एसटी चालू हो गए तो हमको बहुत इस बात की खुशी हो गई, जिलाबंदी हट गई और ये जो भी प्रवासी आए हैं, हम जो अभी तक हमारे को रोजी रोटी का प्रश्न था, अब एसटी चालू हो गए तो हमको इस बात की बहुत खुशी है. अब कुछ मिल जाएगा हमको, हमारा घर का गुजारा हो जाएगा. मालूम हो कि महाराष्ट्र राज्य में ज्यादातर लोग एसटी बस को किफायती और सुरक्षित जरिया मानते हैं. बीते मार्च महीने से लोग अपने घरों में हैं. ऐसे में बस सेवा का परिवहन भी लंबे समय से बंद था. अब आंतर जिला बस सेवा शुरू होने से लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की सुविधा बगैर किसी वैद्यकीय प्रमाण पत्र और बगैर किसी ई पास के उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यात्रियों में खुशी का वातावरण है. बीते मार्च महीने से महाराष्ट्र में एसटी महामंडल की जो सेवा थी वो आंतर जिला सेवा जो थी वो बंद थी. ऐसे में 20 अगस्त को ये सेवा दोबारा शुरू की गई है. आज हमने दिग्रस के बस स्टैंड पर आकर यहाँ पर यात्रियों से और जो कर्मचारी हैं एसटी महामंडल के उनकी राय जाननी चाहिए. कुल मिलाकर उनका जो एक प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी वो खुश नज़र आए कि सेवा दोबारा शुरू हो गई है एसटी महामंडल की. लेकिन इस दौरान एसटी के जो कर्मचारी है उन्होंने अपनी समस्याएं भी इन बीसीएन को बताई और उनका कहना था कि कोरोना का संकट जो है वो अभी टला नहीं है और ऐसे में उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार उन पर ध्यान दे और उनको जल्द से जल्द सुलझाए. इसके साथ ही यात्रियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और खुशी जताई है कि काफ़ी दिनों से वो घर में थे, लॉकडाउन में परेशान थे, अब वो बाहर जा सकते हैं. फिर भी इन बीसीएन की भी यही अपील है कि यात्री अपनी सुरक्षा और सतर्कता का ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें. इनबीसीएन न्यूज़ के लिए जुबैर खान, दिग्रस. इनबीसीएन न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट.